तो आ गए आप, कैसे हो भैया। आज की इस वीडियो में हम फोटो का बैकग्राउंड हटाना सीखेंगे, वो भी दो तरीके से, एक ग्रीन स्क्रीन वाला, एक कोई सी भी स्क्रीन हो पीछे तो हटा सकते हैं। तो आप अपने फोटो का बैकग्राउंड हटा सकते हैं इसकी मदद से, या फिर अपनी उसका भी हटा सकते हो। समझ रहे हो, समझ रहे हो। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो यूट्यूब का थंबनेल बनाने के लिए आपको बैकग्राउंड हटाना पड़ता होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छी से, सरल तरीके से बैकग्राउंड हटाना सीखेंगे। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। तो देखिए, मैं आ चुका हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। फोटो का बैकग्राउंड हटाने के लिए हमें सबसे पहले पिक्सल ऐप डाउनलोड करना होगा। पिक्सल ऐप एक बहुत ही अच्छा ऐप है, जो लोग मोबाइल से थंबनेल या फिर कोई फोटो एडिटिंग करते हैं तो पिक्सल ऐप से ही करते हैं। तो सबसे पहले हम पिक्सल ऐप को डाउनलोड करते हैं। यहाँ से सर्च करेंगे पिक्सल ऐप, देखिए ऊपर आ चुका है, इस क्लिक करते हैं। यहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो, मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये पिक्सल ऐप का मेन फ्रंट है। अब इसका ये टेक्स्ट को हम हटाएंगे डिलीट के बटन से। ओके, अब हमको उस फोटो को लाना है जिसका हमें बैकग्राउंड हटाना है, तो प्लस पर क्लिक करेंगे। लेफ्ट साइड कोने पर ऊपर है जो, यहाँ से फ्रॉम गैलरी से आप फोटो ले सकते हो। ये आलिया भट्ट है, आलिया भट्ट मेरी बहुत ही बड़ी फैन है। ठीक है, अब हम आलिया भट्ट का फोटो का बैकग्राउंड चेंज करते हैं। मैंने बताया था सबसे पहले हम जो ग्रीन स्क्रीन वाला फोटो होता है उसको हटाएंगे। ये ग्रीन स्क्रीन तो नहीं है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड कलर है एक ही कलर है, तो इसका आसानी से बैकग्राउंड हट सकता है। देखिए, जो गोल वाला शेप का है उस पर क्लिक करते हैं, देन इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, इरेज कलर, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, देन इसको इनेबल करेंगे। अब यहाँ पर है हमारा पूरा सिस्टम, ठीक है। तो जो एक लिखा हुआ है वन के बगल में माइक छपा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, देन इसको पकड़ के इस कलर पर ले आएंगे। इस कलर पर लेने के बाद इसको कर देंगे ओके। अब इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, इसको बढ़ाएंगे थोड़ा, देन स्क्रॉल करके नीचे वाला जो स्मूथ है इसको भी बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए, ये प्रॉपर तरीके से नहीं हटा है, तो हमको एक बार प्लस पर क्लिक करना है। ये नंबर दो आ चुका है। अब इसके बाद जो माइक सा था उस पर क्लिक करेंगे, अब इसको लाएंगे, इस कलर से मैच कराएंगे थोड़ा, क्योंकि ये हमारा रह चुका है थोड़ा, ओके करेंगे। इसको भी थोड़ा एडजस्ट करते हैं, देखिए हट रहा है कलर, स्मूथ भी थोड़ा कर देते हैं। देखिए हमारा बैकग्राउंड हट चुका है, ठीक है, इसका कोई सा भी कलर कर लो आप, देखिए हट चुका है। अब हम दूसरे तरीके से भी सीखेंगे। अगर आपकी बैकग्राउंड का कलर ग्रीन नहीं है या फिर एक ही कलर जैसा नहीं है तो उसको भी सीखेंगे, ठीक है। अब लाते हैं दूसरी फोटो। ये इरेजर कलर वाला था, ये इरेजर हमारा मतलब हाथ वाला है, जो रेजर जैसा दिख रहा है वहाँ से करेंगे। अब इस बिंदी का जो साइज आपको छोटा बड़ा करना है तो इससे कर सकते हैं, लाइन से। अब देखिए बड़ा वाला हटेगा, ठीक है। अब जो दूसरी वाली लाइन है राइट साइड, उससे हम इसको स्मूथ कर सकते हैं, तो इसको बढ़ा लेना, स्मूथ कर लेना। नीचे देखिए, नीचे भी एक लाइन है, इस लाइन से हम जो हमारा टूल है ये पकड़ने वाला, इसको हम थोड़ा दूर कर लेंगे पकड़ने वाला, ताकि जो जहाँ से हटेगा वो ऊपर चलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं।
देखिए जैसे आपका थोड़ा इधर चला जाए, गलत हो जाए, तो यहाँ से जो मुड़ा हुआ चिन्ह दिख रहा है इससे हम बैक कर सकते हैं एक स्टेप, दूसरी बार करेंगे तो दो स्टेप, ठीक है। देखिए ये कुन्ने पर रह गया तो इसका साइज छोटा करेंगे, छोटा करने के देन अब इसको ले जाएंगे कुन्ने पर, ठीक है। तो जो प्रॉपर तरीके से हट जाएगा, थोड़ा इसके करीब से ले जाएंगे, देखिए अब जो थोड़ा यहाँ पर है इसको भी हटाएंगे। देखिए हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, अब इसको राइट क्लिक करते हैं, ऊपर प्लस के बगल में दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है, टूल है, उस पर क्लिक करेंगे, देन इस पर क्लिक करेंगे, सेव टू गैलरी पर क्लिक करेंगे, देन सेव। सिंपल है ना, सेव हो चुका है। तो भैया आप अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड हटा सकते हो या फिर अपनी, और अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपको YouTube का थंबनेल बनाने के लिए बैकग्राउंड हटाना पड़ता ही होगा, तो यहाँ से आप बिल्कुल सिंपल हटा सकते हो।